ठीक है बेटा, एंड्रोशिया में लिख रहे हैं हम लोग डायथीशियस के बारे में, तो राइट डाउन, इट इज द एंथर दैट कंटेन्स टू एंथर लोब्स, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, by a connective band, ओके बेटा ये तो हो गई पूरी रामकथा की भाई डेफिनेशन की क्या होते हैं, लेकिन तुम चाहो तो इसको सिर्फ इसके मतलब से भी आराम से समझ सकते हो, डायथीशियस, ठीक है। तो डाय का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स टू, एंड थीशियस बेटा जो है ये लिया गया है वर्ड थीका से, आपने जब पढ़ा होगा ये चैप्टर मॉर्फोलॉजी का स्टार्टिंग का, तो वहां आपने एंथर पढ़े होंगे, थीका होते हैं, देयर आर टू थीकास, थीकास कुछ नहीं होते बेटा, आपके चैम्बर्स जो होते हैं, कंटेनर्स जो होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड चैम्बर या दैट इज कॉल्ड लोब, तो इन्हीं को आप लोग थीका कहते थे, तो दो थीका प्रेजेंट होते हैं तो देन दिस इज कॉल्ड डायथीशियस, गॉट इट नाउ अब, यस सर, ठीक है अविनाश, बच्चों बाकी आप लोगों को समझ में आ गई ना अगली बात, कोई डाउट तो नहीं इसमें, यस सर, चलो बेटा, ओके बेटा, तो ये आपके फेबेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अब आ जाते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंटोशियम के बाद अगला आपका पॉइंट है दैट इज गायनोशियम, लेट्स टॉक अबाउट दिस, गायनोशियम में आपको देखो सबसे पहले ओवरी, हाँ मुझे आप बताओ फ्लोरल, हमने क्योंकि देखो फ्लोरल फॉर्मुला हमने पढ़ चुके हैं, ओवरी कैसे होगी इसकी, सुपीरियर होगी कि इंफीरियर होगी, सुपीरियर, हमारी जितनी भी फैमिलीज हैं, राइट बेटा, हमारी जितनी भी फैमिलीज हैं सारी की सारी हमारी उसमें ओवरीज क्या है, सुपीरियर है, पहली चीज तो यही खत्म, ठीक है। और इसके बाद ये कैसे थे, मोनोकार्पुलरी थे या पॉलीकार्पुलरी थे, कैसे थे, बाइकार्पुलरी थे, कैसे थे बेटा, मोनोकार्पुलरी, गुड, दैट इज मोनोकार्पल थे, सिंगल कार्पल प्रेजेंट था तो मोनोकार्पुलरी हो गए। देन इसके बाद अगला आपका कितने लोक्यूल्स प्रेजेंट थे, सिंगल लोक्यूल प्रेजेंट था तो दैट इज यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर हो गए विद मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स, अगर ये बात ना भी याद हो कोई बात नहीं, यूनिलोक्यूलर याद रखोगे इतना ही काफी, ठीक है, स्टाइल सिंगल है, वही मोनोकार्पुलरी आ गए, सिंगल कार्पल तो यहाँ पे चीजें भी आपके सिंगल ही, स्टाइल सिंगल हो गया, बस दैट इज, ये हो गया, ठीक है बेटा, दैट इज, ये हो गई आपकी गायनोशियम, आपको यहाँ कुछ नहीं, बस ये दो चीजें सबसे याद रखनी, मोनोकार्पुलरी एंड दिस इज यूनिलोकुलर है। अब आ जाओ नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट गायनोशियम के बाद, एक सेकेंड, That is fruit. ये चीजें आपको याद रखनी होती है, मैं आपको अभी एक बता दूंगा क्या क्या चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी जो आपको फ्लोरल फॉर्मुला में नहीं मिली, वो चीजें आपको अलग से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि वो नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से। अब जैसे फैबियसी में फ्रूट की बात करेंगे तो आपको सीधी सी प्लांट पता है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ये, इनमें लेग्यूमिनस यानी फली होती है जिनको हम लेग्यूम्स कहते हैं, तो फ्रूट क्या हो जाएगा इसका, एक सीधी सी लाइन हमें याद करने की जरूरत नहीं, दैट इज लेग्यूम प्रेजेंट होता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे फैबेसी फैमिली में पी प्लांट को देख लो, पी को देख लो, बीन्स को देख लो, सारे के सारे लेग्यूम्स हैं, सारे के सारों में क्या है आपकी फली है एक, उन्हीं को हम लोग इंग्लिश में लेग्यूम्स कहते हैं, एंड दैट इज योर फ्रूट भी कैसा हो गया इनका, लेग्यूम हो गया। एंड देन इसके बाद आपका फ्रूट आपको याद करना होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्वेश्चन आता रहता है नीट में, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करोगे। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट सीड, तो सीड कैसे होता है बेटा इसका, नॉन एंडोस्पर्म, फ्रूट लेग्यूम मतलब क्या बोले, लेग्यूम का मतलब बेटा दैट इज, जैसे आपने पी प्लांट देखा ही है ना, पी में आपने देखी होगी मटर, एक सेकेंड, उसका पी पॉड देखा होगा है ना, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसका, दैट इज पी प्रेजेंट होते थे, लाइक जैसे पी पॉड दिखा दिया मैंने लाइक दिस,
मटर लग रही है ना, दैट इज लाइक दिस। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे इसमें, दैट इज छोटे 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 इस तरह से पी प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। ठीक है, और यहां पे एक और एक एक पार्ट होगा जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं, बीच में छोटे छोटे हाइलम्स होते हैं जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं इससे लाइक दिस। ये आपका पी प्लांट है, गॉट इट नाउ। अब ये आपका ऊपर का जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये लैग्यूम्स नजर आते हैं साहब। तो इसीलिए इनके फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, लैग्यूम्स कहते हैं। आप समझ में आ गई बात? लैग्यूम का मतलब क्या होता है हिंदी में, दैट इज फली। तो जितने भी फली वाले पौधे हैं, जितनों में भी आपकी ये फली आती है, वो सब के सब आपके लैग्यूमस प्लांट में है, फैबियसी प्लांट में आते हैं दैट इज। चाहे बीन्स की बात कर लो आप, सारे बीन्स भी इसी में ही आते हैं। अब आ जाओ नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आपका, दैट इज सीड। तो बेटा सीड में आपको बस एक चीज याद रखनी है, कैसे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक देखो, हम जब सीड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया थे नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होते हैं बेटा, जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता। नहीं होता था, इसी का दूसरा नाम था, एक और क्या नाम था, नॉन एल्ब्यूमिनस। वेरी गुड, दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस। वेरी गुड बेटा, यस आशीष बेटा, नॉन एल्ब्यूमिनस That is, है ना। तो अगर आपसे चाहे नॉन एंडोस्पर्म पूछ लिया जाए, चाहे आपसे नॉन एम्ब्रियोस पूछ लिया जाए, यू कैन गिव द आंसर। लेकिन क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो कैसे पूछेंगे, वो आपको एग्जांपल्स भी दे देंगे, फैबियसी फैमिली के कोई भी एग्जांपल को दे देंगे नीचे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन नॉन एंडोस्पर्मिक है। सो आपको आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, आप उसी बेस पे आंसर दे पाओगे। इज इट क्लियर नाउ? आपको जितने एग्जाम्पल याद होंगे आप उतने ही आंसर आराम से दे सकते हो। So, ये हो गया बेटा आपका दैट इज मेजर पॉइंट सारा कवर। अब आ जाते हैं इसके फ्लोरल फॉर्मुला पे। फ्लोरल फॉर्मुला हमने पहले भी देख रखा था, तो हमें फ्लोरल फॉर्मुला में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ्लोरल फॉर्मुला फैबियसी है, फर्स्ट आता है, ठीक है। तो बताओ, चलो मुझे फ्लोरल फॉर्मुला बताओगे आशीष अविनाश को छोड़ के और सत्या को छोड़ के। गर्ल्स आप में से कौन मुझे बताएगा फ्लोरल फॉर्मुला इसका? कोई है जो मुझे बताएगा गर्ल्स में से? शाबाश, नाम लूं क्या मैं तब बताओगे कोई? अविनाश एक मिनट तुम रुको बेटा, एंड सत्या आशीष आप दोनों में से कोई ट्राई करेगा? अच्छा मुझे मिल गया सर, जायगोमॉर्फिक। ओके गुड 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 गुड, दैट इज सबसे पहले तो जायगोमॉर्फिक है। फर्स्ट आता है एफ फॉर फैबियसी, एफ फॉर फर्स्ट, फर्स्ट आता है तो भाई परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो दैट इज जायगोमॉर्फिक हो गया। देन बाइसेक्सुअल, वेरी गुड, हमारी तीनों फैमिलीज में बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं, सारे के सारे बाइसेक्सुअल, तो उसमें भी कोई लोड नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये आपका फैबियसी है, तो इसमें बेटा कैसी होगी, पेंटामेरस होगा कि ट्राई कार्पलेरी है? पेंटामेरस था, गुड। तो बेटा अब इसमें कैलिक्स की बात कर लेते हैं पहले, कैलिक्स कैसा होगा? गैमोसेपला, हाँ दैट इज फाइव है, तो ये आपका गैमोसेपला। देन कोरोला, एंड्रोशियम कैसा होगा इसका? 9+1 का अरेंजमेंट होगा और 9 वेरी फ्यूज्ड होगा, दैट इज फ्यूज्ड पे डायडेल्फस। एंड देन इसके बाद गाइनोशियम कैसा था? बाय फर्स्ट आता है तो यानी सिंगल हो गया। ओवरी हमने देखी थी सुपीरियर है, दैट इज। और भाई ये आपका कैसा था? दैट इज फ्री थे आपके यहाँ पे, सिंगल है तो फ्री होंगे होंगे, तो यानी ये आपकी कैसी हो गई? ओवरी, दैट इज एपोकार्पस। गॉट इट? यस सर। गर्ल्स कोई दिक्कत हुई इसको हमें याद करने में? कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, बस
जो ट्रिक मैंने बताई है वो दिमाग में रखनी है, सारी की सारी कहानी एक बार, बस एक बार याद करना है ट्रिक के हिसाब से, सारी की सारी फ्लोरा फॉर्मूला टिप पर हो जाएंगे आपके। आपसे फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप आराम से, और बच्चे इन्हीं से डरते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला से ही डरते हैं, क्योंकि याद नहीं होते हैं, याद कर लेते हैं तो भूलते हैं, या फिर वो आपस में मिक्स मैच हो जाते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज अ मेन प्रॉब्लम। आपको मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया था कैसे फ्लोरल फॉर्मूला याद करने हैं, एक बार याद कर लो बस, ट्रस्ट मी आपको फिर लाइफ में कभी बार 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 रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपको एक बार में याद हो जाएंगी सारी चीज। तो ये हो गए बेटा आपके दैट इज मेन कैरेक्टर्स, आपके फ्लावर कैरेक्टर्स और आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हमने फैमिली के फैबियसी के देख लिए थे। अब आ जाते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं जो मैंने आपसे पेपर में दिलवाए थे। चलो अभी उन्हीं को देखो, हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे बेटा वही सारे एग्जाम्पल्स इधर आएंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो देखो बेटा पहले, सबसे पहले आपका यहाँ क्या आ रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, राइट डाउन बेटा, सबसे पहले आपकी पल्सेस, पल्सेस में आपका ये चीज जो है दैट इज यूज बहुत ज्यादा होते हैं। पल्सेस में, ठीक है, पल्सेस में आपके क्या क्या आ गए यहाँ पर, दैट इज यहाँ आपके आ गए ग्राम, कल ये एग्जांपल में आपने देखा था, क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, ग्राम आता है आपका, ठीक है, दाल है सारी, अरहर आ गए इसमें, नहीं सेम दैट विल ऑल्सो कम इसमें, सेम बीन्स होती है जो आप खाते हैं वो इसमें आ गए, मूंग दैट इज ऑल्सो इसी में आ गया, एंड सोयाबीन दैट इज ऑल्सो, मैंने आपको कल बताया भी था सोयाबीन का, लास्ट में आपने किसी में एक क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने कहा था देखो बीन आ रहा है, तो बीन है तो दैट इज अ फैबियसी फैमिली में आएगा ये आपका, ठीक है। तो आपका दो कल हमने एग्जाम्पल देखे थे, ग्राम का देखा था, सोयाबीन का देखा था, इन दोनों एग्जाम्पल्स को मार्क करो, ये नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं इन दो के। क्लियर बात बेटा सभी को, आशीष सत्या अविनाश फर्स्ट ऑफ ऑल, बेटा आप तीनों क्लियर हुई वाली बात, एग्जाम्पल है ना, पहले हमारे पल्सेज हैं सारी की सारी, मतलब वो सब हमारी किस में आ रही हैं, दैट इज हमारे फैबियसी फैमिली में आ रही है, 100 बात की एक बार बस, ठीक है। और जो एग्जांपल्स कल हमने देखे थे वो यहाँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद फोडर। तो बेटा फोडर वही जो आप जानवरों को खिलाते हैं, भूसा जिसको आप कहते हैं कॉमन वर्ड्स में, तो दैट इज फोडर का, एज अ फोडर यूज हो। तो फोडर में आपके यहाँ पे क्या आ गए, देखो हमने कल हमने देखो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था ट्राइफोलियम, वो इसमें आ गया, ठीक है, सेसबेनिया ये इसमें आ गया, ठीक है बेटा, ये आपके फोल्डर में आते हैं, एज अ फोल्डर नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि भाई ये किस में आते हैं आप, इट कैन बी आस्क। अब आ जाओ ईडिबल ऑयल, खाने वाले ईडिबल ऑयल। तो ईडिबल ऑयल में देखो हमने कल ही देखा था आपका, दैट इज ग्राउंडनट, जो ऑयल की जिससे हमें ऑयल मिलता है, ये फैबियसी में आता है, याद है ना, हमने कल पूछा देखा भी था ग्राउंडनट, मैं सभी के जो एक क्वेश्चन था आपका कि दैट इज कौन से प्लांट्स के अंदर आपके, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे थे एंड पूछा गया था कि किस प्लांट के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के स्टेमस मिलेंगे, तो वहां मैंने फिर आपको ये चीज बताई थी ग्राउंड नट आपका ऑयल देता है, तो ऑयल आ रहा है इसमें, तो दैट इज ये आपका फैबियसी में आ गया, तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा सोयाबीन ऑयल, दिस इज ऑल्सो, ये भी आपका इसी में आ गया, ठीक है बेटा, कोई डाउट, नो नो सर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ डाइस, डाई में आपको केवल एक ही याद रखना है, मैंने कल बताया भी था डाई का नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट इज इंडिगो फेरा, इंडिगो आपका एक कलर है, इंडिगो फेरा दैट इज, ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया है, और ये कल भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि डाई कौन सा है इसमें से, डाई कौन देता है, लेकिन ये क्वेश्चन का किसी एक क्वेश्चन को याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर था ये आपका इंडिगो फेरा। एंड देन इसके बाद कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फाइबर्स। फाइबर्स में बेटा आपका क्या आ गया, सन हैम्प आ गया, सन हैम्प इसमें आ गया फाइबर्स में। देन इसके बाद ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए ऑर्नामेंटल,
ऑर्नामेंटल में क्या आ गया, ल्यूपिन और स्वीट पी, स्वीट पी दैट इज, एंड देन इसके बाद आपका सेवेंथ में मेडिसिन, और मेडिसिन में केवल एक ही प्लांट था जो हमने एग्जांपल्स में देखा था, दैट इज मुलैथी, दैट इज मुलैथी। तो ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे एग्जांपल्स फैबियसी फैमिली के। अब हमें एक बार शॉर्ट ट्रिक में देखें, जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके चलो बेटा, अब हम लोगों ने जो देखे उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए, मैं एक बार फिर से वही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप सारे एग्जांपल्स को आराम से कनेक्ट कर सको। ये क्या हो गया बेटा, ठीक है बेटा, फैबियसी फैमिली का बना रहे हैं, ये बनाए सबसे पहले, कैलिक्स थे, कैलिक्स कितने हैं, फाइव पेंटामेरस है यहाँ पे, तो फाइव कैलिक्स हो गए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दिस इज, ठीक है, ये आपके हो गए सबसे पहले तो, दैट इज कैलिक्स। दैट इज देन इसके बाद कोरोला, एस्टिवेशन आपको पता ही है वाल्वेट होता है, तो सारे के सारे एक दूसरे के मार्जिन जो है एक दूसरे के आसपास होंगे, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, लाइक दिस वाल्वेट एस्टिवेशन हो गया। अब आ जाते हैं देन इसके बाद कोरोला, एस्टिवेशन क्या होता था यहाँ पे कोरोला में बेटा, कोई बताएगा मुझे, What kind of estuation found in? कौन सा बेटा? Vexillary. Good बेटा. Vexillary. Good. तो आपका एक main होगा जो सबसे ऊपर होगा, present होगा. Then उसके बाद दो उसके नीचे present होंगे. Sir. Yes बेटा. Sir, calyx fused है. Calyx fused है, हाँ वो मैं दिखा दिया बेटा. This is. अच्छा वैसे आपको नहीं लग रहा. This is. That is. एंड देन इसके बाद ये आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन, दिस इज दैट इज, ये आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं देन इसके बाद इसके स्टेमन, तो स्टेमन आपने देखा था दैट इज 10 थे, और 10 स्टेमन जो थे उनमें से 9 जो थे वो साथ में थे और एक जो था वो बाहर अलग था, तो एक जो है उसको हम अलग दिखा देते हैं लाइक दिस, वन ये अलग दिखा दिया, बाकी सारे के सारे एक दूसरे से फ्यूज है पास में, टू थ्री ये फ्यूज्ड है बेटा आपस में, टू थ्री, वन टू थ्री फोर, थ्री वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, एट और नाइन, दैट इज ये हो गए बेटा नाइन, इसके अंदर स्टेमर एक जो है वो अलग है, ठीक है दिस इज, ये अरेंजमेंट हो गया इनका। एंड देन इसके बाद हमने गायनेशियम देखी थी सिंगल थी, ओवरी जो थी सिंगल थी, देखो दैट इज सिंगल ओवरी है लाइक,
एक कोई सिंगल लॉक्यूल्स प्रेजेंट है, लॉक्यूल इज सिंगल, तो मैंने अंगस अंदर ही सिंगल लॉक्यूल भी दिखा दिया स्नेक के पास। दिस इज बेटा, और ये हो गई इसकी मदर एक्सिस जहां से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज मदर एक्सिस। तो बेटा यहाँ अब आप देखोगे तो बस आपको दो ही चीजें याद रखनी पड़ी कि नहीं पड़ी, एक आपका एस्टिमेशन क्या है, इसका एस्टिमेशन आपको ध्यान रखना है। तो हमें पता था भाई आपका वॉल्वेट जो था कैलिक्स का वॉल्वेट एस्टिमेशन था, और कोरोला का आपका कैसा था वैक्सिलरी। तो हमें बस एस्टिमेशन याद किया, हमने आराम से इनका अरेंजमेंट कर दिया, पैंटामेरस है तो 5 की उसमें हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया। देन इसके बाद आपके स्टेम एंड उस पर आ जाए एंड्रोशियम पे, तो एंड्रोशियम 9+1 हमें मालूम थे 9 ब्रैकेट के अंदर थे यानी फ्यूज है सारे के सारे, 9 हमने फ्यूज दिखा दिए, एक को अलग दिखा दिया। गायनोशियम आपका क्या था, दैट इज सुपीरियर था एंड सिंगल ओवरी प्रेजेंट थी, तो सिंगल ओवरी और आपका एक सिंगल लोक्यूल दिखा दिया इसके अंदर, दैट इज। तो ये हो गया दैट फ्लोरा डायग्राम ऑफ योर फैबियसी फैमिली, गॉट इट नाउ? आपको फ्लोरल डायग्राम भी, बेटा फ्लोरल डायग्राम को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ फ्लोरल फॉर्मुला याद है ना और आपको बस एस्टिमेशन याद है तो आप आराम से फ्लोरल डायग्राम भी बना दोगे प्लांट, बहुत आराम से बना दो। तो आपको सिर्फ दो ही बैकबोन चीजें याद करनी है, फ्लोरल फॉर्मुला इज द मेन थिंग, बस वो याद कर लो सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल्स के जो तरीके। सो बेटा हो गया, अब आपको समझ में आ गई बेटा कैसे मैंने बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई देखो बनाते हुए, क्लियर बात कर ली? पर वो साइन क्या है बेटा, ये मदर एक्सिस का साइन, दिस इज अ साइन ऑफ मदर एक्सिस कि यहाँ से आपका डेवलपमेंट होगा फ्रूट इसका, ठीक है? दिस इज ऊपर से हो रहा है डेवलपमेंट। अब बताओ कंप्लीट हो गया बच्चों, कोई डाउट नहीं? एक सेकंड, ब्रांच में जहां से डेवलपमेंट होगा, हाँ बेटा दैट इज ब्रांचेस का जो डेवलपमेंट होता है ना, दिस इज कि यहाँ से ये फ्रूट डेवलप होगा, यहाँ से बनेंगे, दैट इज। ओके सर, चलो तो गर्ल्स एंड बॉयज, बच्चों डन, फैबियसी फैमिली में अब कोई डर तो नहीं रहेगा ना? नो सर, नो सर, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको केवल फ्लोरल फॉर्मूला याद करना है और इसका एक एग्जांपल्स ट्रिक हमने सामने लिख दी साइड में, द वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कौन सा प्लांट कहाँ आ रहा है। पल्सेस का नाम आया पॉट, POD, तो POD वाला याद रखेंगे, P फॉर पल्सेस, O फॉर ऑयल, D फॉर डाई। पल्सेस में क्या आ जाएंगे आपके, ग्राम, सोयाबीन, अरहर, मूंग और सैम, 5 है। आपके ऑयल में क्या आ जाएंगे, 2 ही हैं आपके, ग्राउंडनट और सोयाबीन, अगेन रिपीट हो जाएगा, और डाई में केवल एक ही है, दैट इज इंडिगोफेरा, खत्म। आपके सनसेट, सनसेट में सन फॉर सन हैंड, सेट फॉर सेसबेनिया, वो खत्म। उसके बाद सनसेट एट सनसेट लिप टेस्टेड, तो लिप, लिप फॉर ल्यूपिन, वो ऑर्नामेंटल प्लांट है, खत्म। टेस्टेड, टेस्टेड का टी, दैट इज फॉर ट्राइफोलियम, वो आपका फोल्डर है, वो भी खत्म, दैट इज बच्चो। एंड देन इसके बाद आपका अगला कौन सा था, लिप टेस्टेड पी पॉट, तो पी दैट इज वो स्वीट पी और गार्डन पी, पॉट का मैंने अभी आपको बता दिया, एंड मुलेथी दैट इज अ मेडिसिनल प्लांट। तो हो गए टिप पे सारे याद, दैट ऑल, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चीज। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, अगली फैमिली पे चले। यस सर, चलो यस ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैमिली। आपकी सेकंड फैमिली मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट फॉर फैबियसी, सेकंड फॉर सोलेनेसी। गुड बेटा, अब आ जाओ सेकंड वाले बच्चे पे, पहला वाला बच्चा तो हमने देख लिया भाई बहुत पढ़ाई में होशियार है, सोलेनेसी। सेकंड फैमिली आपकी स्टार्ट करते हैं, सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला याद है? यस सर, गुड, यस सर। सोलेनेसी क्या था, हमारा सेकंड आता था, तो सेकंड आता था तो पढ़ाई में कैसा था बच्चा हमारा, ये वाला एवरेज था, है ना, ये वाला बच्चा हमारा एवरेज, एवरेज है, तो क्या साइन यूज किया था हमने, जाइगोमॉर्फिक होगा कि एक्टिनोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बेटा, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, वेरी गुड, ऐसी तो आंसर मजे आते हैं पढ़ाने। देन इसके बाद सारे बोलो जोर से बोलो।